बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है चिकन क्रीमी बॉक्स पैटिस की रेसिपी। आज हम आपके सामने चिकन क्रीमी बॉक्स पैटिस बनाएंगे। ये देखिए जी, मैंने 250 ग्राम यानी पाव बंद गोभी ली और इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसमें मैंने 250 ग्राम ही चिकन ली। चिकन को मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में एक टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्च और एक टेबल स्पून मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया और उसका रेशा तैयार कर लिया, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 शिमला मिर्च ली उसे बारीक काट के डाल दिया, 2 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है पिसी हुई काली मिर्च। ठीक है जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून चिकन स्प्राइट। ठीक है, इसके बाद 4 टेबल स्पून के करीब इसमें डालेंगे मायोनीस। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम लास्ट में डालेंगे क्रीम, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसका बैटर अच्छा सा मिला के मिक्स करके हम तैयार करते हैं। मैं आपको मिला के पूरा मिक्सचर करके पूरा बैटर आपको दिखाती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मेरी नई वीडियो आने वाली जो भी हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्ला। ये देखिए जी, मैंने क्रीम शामिल कर दी है इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसका बैटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसे बना के दिखाऊंगी कि बॉक्स पैटिस किस तरह तैयार किया जाता है। ये देखें, इसे मिला रही हूँ मैं। ये देखें जी, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। ये आपको मैंने बना के दिखाया, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसका जायका लाजवाब बनता है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही यमी और यूनिक टेस्ट आएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि बॉक्स पैटिस किस तरह तैयार होते हैं। ये देखें जी, समोसा पट्टी हमने इस तरह चौकोर तरीके से हमने रखी। इसमें आप बैटर डालें, जितना आपको डालना हो, कम ज़्यादा वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, बैटर इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से सेट कर लें ताकि फ्राई करते वक्त हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे एक साइड से इस तरह बंद करें आप। ठीक है, दूसरी साइड से भी हम बंद करेंगे। ये देखें, और ये ऊपर की साइड पे हम मैदे की मैंने पानी डाल के पतला सा एक बैटर तैयार किया है। ब्रश की मदद से हम इसे यहाँ लगाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से अच्छी तरह से ये बंद हो जाए और यहाँ से तीसरा हिस्सा बंद करके ये ऊपर से इसे अच्छी तरह से हम इसे चिपका देंगे ताकि फ्राई करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखें, एक बॉक्स पैटिस बिल्कुल रेडी है। ये देखें, कहीं से भी ये खुला हुआ नहीं है और तलने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये देखें जी, सारे मैंने बॉक्स पैटिस तैयार कर लिए हैं। ये देखें, अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने बॉक्स पैटिस डाल दिए हैं। हल्का पहले शुरू में थोड़ा सा तेल आप गर्म रखें, हल्का सा इसमें डाल दें। इसके बाद हम तेल की आँच को थोड़ा सा कम कर दें ताकि हमारे बॉक्स पैटिस जले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो सके, अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ सके। ये देखिए जी, मैं फ्राई कर रही हूँ। प्लीज़ रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्ला। ये देखें, हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट बॉक्स पैटिस तैयार हैं। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने डिश आउट कर लिए हैं। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।